हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने दो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर लिए थे, एक तो ट्रांसलेशन और एक मैग्निफिकेशन। दो और बचे हैं, एक तो रोटेशन और एक है इन्वर्जन। तो पहले रोटेशन करें और उसके एग्जाम्पल्स करें, फिर इन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। तो रोटेशन में फॉर्मेट क्या रहता है, W या FZ कह लो, वो रहता है ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड। ये फॉर्मेट है रोटेशन का। तो रोटेशन में होता क्या है, रोटेशन में बस पूरा का पूरा डायग्राम किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हो जाता है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। डायग्राम ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना शिफ्ट होगा इधर उधर, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट होगा किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पर। किस एंगल पर, अल्फा एंगल पर। अल्फा यहाँ रोटेशन एंगल है और ये काम करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी भी डायरेक्शन में डायग्राम है उसको और अल्फा एंगल शिफ्ट कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेक्टेंगल है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो W प्लेन में ये रोटेट हो करके ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से रोटेट हो गया रेक्टेंगल। ये अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। अल्फा कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करता है वो। जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी डायग्राम हो सकता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अगर आप रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये लगभग यूं कह सकते हैं आप, और ये यूं हो सकता है और ये यूं हो जाएगा। तो ये अल्फा एंगल रोटेट हो गया ये डायग्राम। ये यू एक्सिस है, ये वी एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डायग्राम को, जो भी डायग्राम है उसको ना बड़ा करना है ना छोटा करना है ना शिफ्ट करना है, सिर्फ रोटेट करना है, वो भी अल्फा एंगल। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये सिर्फ रोटेट हो रहा है, उसका जवाब है इसमें। अगर इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें ना, तो ये है W इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड। तो W यहां पर लिखा जा सकता है ई की पावर आयोटा अल्फा, और जेड को अगर पोलर फॉर्मेट में बात करें, जेड वैसे तो नॉर्मल एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, लेकिन पोलर फॉर्मेट की बात करें तो आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, जहां पर आर इसका मैग्नीट्यूड होता है और थीटा इसका एम्पलीट्यूड होता है कि डायरेक्शन। तो इस फॉर्मेट में मैं एक बार इसको लिखूं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में ये दे रखा है e की पावर आयोटा अल्फा। तो W की बात करें फाइनल, तो ये बन गया R और e की पावर आयोटा अल्फा और आयोटा थीटा ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो फाइनल क्या बनेगा, W इज इक्वल टू आर इंटू e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, जो भी आप बोलो। तो अब जो W प्लेन पे नया ट्रांसफॉर्मेशन होकर के मिला हमें डायग्राम या पॉइंट, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड अभी भी आर ही है। जो जेड का मैग्नीट्यूड था, जेड पे किसी भी पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड था, वही W पे किसी भी पॉइंट का मैग्नीट्यूड है अभी भी। लेकिन एंगल जो जेड पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल थीटा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल चेंज हो गया है, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है। तो एम्पलीट्यूड अब जो फाइनल आ गया वो पहले वाले थीटा से अल्फा और ज्यादा एंगल आ गया, मतलब अल्फा एंगल और शिफ्ट कर दो, जो भी पॉइंट है थीटा पर उसको अल्फा एंगल और शिफ्ट कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें W का पॉइंट मिल जाएगा, मतलब W प्लेन पर वो पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मतलब शिफ्टिंग हो रही है, लॉजिक इसका ये है बहुत सिंपल सा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रोटेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए मैंने एग्जांपल सेम वही लिया है जो हमने ट्रांसलेशन में लिया था और मैग्निफिकेशन में लिया था, तो सेम एग्जांपल लेंगे तो समझने में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो वही एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। इसने बोला है व्हाट इज द इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 2। इन चार लाइन्स से जेड प्लेन में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बताना है अपने को इसके अबाउट। इस मेथड से हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, इस मैपिंग से हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। आप थोड़ा सा भी नोटिस करें तो ये रोटेशन है, क्योंकि ये फॉर्मेट रोटेशन का है। तो अब इसको भले ही हमें नहीं भी पता कि ये रोटेशन का फॉर्मेट है, तो भी हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं पूरा डिटेल में आराम से। वो तो अगर आपको रोटेशन का फॉर्मेट पता है तब तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो, उसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी। लेकिन मैथमेटिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं W इज इक्वल टू e की पावर आयोटा पाई बाई 4 इंटू जेड, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमें पता है कि W होता है U प्लस आयोटा V और Z होता है X प्लस आयोटा Y। तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पर रखने वाला हूं, उसके बाद में
एक फॉर्मूला इसके लिए भी लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपको पता है कि e की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर लगेगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो रखें जरा, w है u प्लस आयोटा v, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर, और z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, ये हमने रख दी। जरा इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू वन बाई रूट टू प्लस आयोटा वन बाई रूट टू साइन पाई बाई फोर की वैल्यू, और ये x प्लस आयोटा y। अब पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं हम, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा हमें सॉल्व करना। तो ये बनेगा देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट टू, और ये x प्लस आयोटा y। तो ऊपर वाला फैक्टर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट टू नीचे रहेगा एज इट इज, या रूट टू को इस तरफ ले लीजिए आप, तो रूट टू यू प्लस आयोटा v, और उस तरफ पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस आयोटा y, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा x, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस y। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको थोड़ा देखें, रूट टू यू प्लस आयोटा रूट टू वी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी यहां से मिल रहा है आयोटा एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, जो भी आप बोलना चाहो उसको, ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपेयर अगर आप करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनल, देखिए रूट टू यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहां से आएगा रूट टू वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास कंक्लूजन आया कंपेयर करने के बाद में कि एक्स वाई यू वी से किस तरीके से कनेक्टेड है। अब इसको आगे कंटिन्यू करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको इतना ही रहने दो और एक एक पॉइंट लेकर के सॉल्व करो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा। दूसरा मेथड यह है कि थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारे पास x और y की क्लियर वैल्यूज हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, सॉल्व करना इन द सेंस कि इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो देखो y कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x में इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y में इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसको मैं फर्स्ट और सेकेंड नाम दे देता हूं, और यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 अगर करेंगे तो 1 प्लस 2 करने पर यह बन जाएगा अंडर रूट 2 यू प्लस अंडर रूट टू वी इज इक्वल टू वाई से वाई कैंसिल आउट, और ये टू एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो ये रूट टू यू प्लस वी इज इक्वल टू टू एक्स हो गया, तो ये बनेगा यू प्लस वी रूट टू, अगर इधर डिवाइड में दे तो रूट टू एक्स बच जाएगा, ये हमारे पास एक्स से रिलेटेड आ गया एक इक्वेशन। सेम दूसरी आएगी अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टू माइनस वन कर रहा हूं ताकि पॉजिटिव में रिजल्ट मिले, टू माइनस वन कर रहे हैं तो इससे रूट टू वी माइनस रूट टू यू होगा, रूट टू वी माइनस रूट टू यू इज इक्वल टू ये वाई और वाई मिलकर के टू वाई हो जाएगा और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट टू अगर कॉमन लेते हैं तो वी माइनस यू इज इक्वल टू टू वाई, एंड वी माइनस यू अगर रूट टू को डिवाइड में दें तो रूट टू वाई बन रहा है, ये वाई में हमारे पास इक्वेशन आ गई क्लियरली, ये इक्वेशन नंबर थ्री है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फोर है, और यही काम की इक्वेशन से सबसे ज्यादा। अब इसको यूज कैसे लेना है, एक एक को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चार लाइंस हैं, चार लाइंस को चार अलग लाइंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे इनका यूज लेकर के। सबसे पहले आप स्टार्ट करें एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स जीरो है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगा क्योंकि एक्स यहीं पर है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, यू प्लस वी इज इक्वल टू जीरो क्लियरली। सेम बी पार्ट आप करोगे कि y इज इक्वल टू जीरो है, मैं एक बार सारे लिख देता हूं, c पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू वन है, और d पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू टू है। इन चारों का ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप, y इज इक्वल टू जीरो सेकेंड फोर्थ इक्वेशन में रख दो तो ये बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसको अगर वो ध्यान से देखें तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू माइनस यू, जैसे y इज इक्वल टू माइनस एक्स होती है, और ये हो जाएगी v इज इक्वल टू यू, जैसे y इज इक्वल टू एक्स होती है, तो क्लियरली बन जाएगी मतलब इजीली। इसकी बात करें x इज इक्वल टू वन, आप इक्वेशन नंबर थ्री में रखो u प्लस वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू वन, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और लास्ट y इज इक्वल टू टू आप इक्वेशन नंबर फोर में रख दो तो ये बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू टू, तो टू रूट टू हो जाएगा।
अब ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई जिनको हमें प्लॉट करना है सिंपली, और आंसर आ जाएगा। अब मैं सबसे पहले तो ये जेड प्लेन का प्लॉट कर दूं, उसके बाद बात करेंगे इसका क्या करना है, ठीक है। तो जेड प्लेन को अगर आप प्लॉट करते हो तो ये इस तरह का बनेगा। देखो ये हमारे पास इस तरह का केस है कि यहाँ ये 1 पॉइंट है, ये 1 और ये 2 है, तो ये 0 पॉइंट है, ये ए बी सी और ये डी, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से जेड प्लेन में डायग्राम बन रहा है, सिंपल सा डायग्राम है। ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा वाई इज इक्वल टू 2 है, ये हमारा वाई इज इक्वल टू 0 है, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन है। चारों लाइंस की इक्वेशन है, वही चारों हमने यहाँ पर बनाई है। जेड प्लेन का डायग्राम इजिली बन गया है। मेन है इस डब्ल्यू प्लेन का डायग्राम कैसे बनाना है। चारों की चारों स्ट्रेट लाइंस हैं, बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बनाने चाहो तो ये इस तरह से बनेगा। देखो एक्चुअल में ये एंगल शिफ्ट होगा, आप इसको क्लियरली बना सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ये लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसी को वाई इज इक्वल टू 0 को देखो वी इज इक्वल टू यू में ट्रांसफॉर्म किया है, ये 90 डिग्री एंगल पर, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है। तो ये लाइन है हमारी v इज इक्वल टू यू लाइन। उसके बाद ये जो लाइन है ना x इज इक्वल टू 1, वो यानी u प्लस v इज इक्वल टू रूट टू, जिसका मतलब है कि रूट टू से जाएगी। मतलब ये मैं अगर डायरेक्ट बनाऊं तो ये इस तरह की लाइन है, ये है u प्लस v इज इक्वल टू रूट टू। आप इसको दो पॉइंट्स लेकर के इजिली क्लियरली बना सकते हो, पॉइंट्स मार्क कर करके। मैंने थोड़ा सा फास्ट ले लिया है, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे ना तो ये लगभग रूट टू पे कट करेगी। तो आप इसको बना लेना, मैंने ये बना दिया है वो। अब इसके बाद में इस तरफ जो लाइन आएगी वो ट्रांसफॉर्मेशन है x इज इक्वल टू 0 का। x इज इक्वल टू 0 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है v इज इक्वल टू माइनस यू, वो इस तरह की लाइन है। ये भी 45 डिग्री एंगल पे बनेगी। तो इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू माइनस यू, और लास्ट y इज इक्वल टू 2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू ये। आप अगर इसको बनाओगे प्रॉपर तरीके से तो ये ही आएगा, आप बना के देख लेना आराम से। मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट, मतलब ए डैश, बी के रिस्पेक्ट में बी डैश आ गया, ये सी डैश आ गया, और ये डी डैश आ गया। आप नोटिस करोगे कि ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री एंगल है, ये पाई बाई 4 एंगल है, ये पाई बाई 4 पे ही होती है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन या वी इक्वल टू यू लाइन। तो 45 डिग्री पर हमारा ये सब कुछ रोटेट हो गया है, और यहां पर आप देखिए जो रोटेशन एंगल था वो एंगल 45 डिग्री था। तो सिंपल डायग्राम जस्ट 45 डिग्री रोटेट हुआ है। किस तरह से, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट में आ रहे हैं। सिंपल में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन ले रहा हूं एक और, जो हमने बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी लिया था, ट्रायंगुलर वाला क्वेश्चन। तो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए आप। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रायंगल का है। व्हाट इज द इमेज ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से एक ट्रायंगल बन रहा है जेड प्लेन में, जिसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताना है डब्ल्यू प्लेन में इस मैपिंग के थ्रू। ये मैपिंग वैसे साफ साफ दिख रहा है रोटेशन का फॉर्मेट है, और रोटेशन एंगल इस बार ये है पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री एंगल पर रोटेट होगा वो ट्रायंगल, ये कंफर्म है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं लिख रहा हूं। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं सबसे पहले यहां से कि W इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें e की पावर आयोटा पाई बाई 3 इंटू जेड। डब्ल्यू हमारे पास है, जेड हमारे पास है, e की पावर आयोटा थीटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा ही था, जो कि होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके हिसाब से ये खुल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब जरा यहां पे वैल्यूज रखें इसकी, तो u प्लस आयोटा v हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है cos 60 मतलब 1/2, और साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2। तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y और u प्लस आयोटा v, जरा एलसीएम लें, 1 प्लस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 को पहले इन दोनों से करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, फिर रूट 3 आयोटा से करोगे तो आयोटा रूट 3 एक्स, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का रूट 3 वाई डिवाइडेड बाई 2।
इस 2 को इस तरफ ले लें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स u प्लस आयोटा v, जो कि होगा यहां पर x माइनस अंडर रूट 3y, और आयोटा अगर कॉमन ले लें तो अंडर रूट 3x प्लस y। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए। इधर 2u प्लस आयोटा 2v होगा, मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं, उसको एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूं। तो इधर जो रियल पार्ट है वो है 2u और उस तरफ है x माइनस अंडर रूट 3y। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2v इस तरफ बनेगा रूट 3x माइनस प्लस y। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। जैसे लास्ट वाले में किया था ना, हम दोनों इसको सॉल्व करके x और y में सेपरेट निकाल सकते हैं। तो देखो किस तरह से निकाल रहे हैं, मैं यहां पर लिखता हूं। ये है अपना 2u इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 3y, और 2v इज इक्वल टू रूट 3x प्लस y। अब इन दोनों इक्वेशन से x और y निकालने के लिए मैं सबसे पहला काम करता हूं, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। रूट 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये y वाला सेक्शन कट जाएगा, इधर बनेगा 2u प्लस 2 रूट 3v इज इक्वल टू x प्लस, ये रूट 3 मिलके 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स u प्लस अंडर रूट 3v इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स u प्लस अंडर रूट 3v इज इक्वल टू 2x। एक इक्वेशन ये आई हमारे पास, इक्वेशन नंबर आ गई ये 3। ठीक है, x और y में निकालना थोड़ा कन्वीनियंट होता है इसलिए हम निकाल रहे हैं, वरना इससे भी चला सकते थे काम, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है। तो आप ऐसे किया करें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इजी हो जाता है इससे काम। अब रूट 3 एक बार इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या बनता है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, 2u इज इक्वल टू x माइनस रूट 3y, और 2v इज इक्वल टू रूट 3x माइनस सॉरी प्लस y। ऊपर वाले को आप रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें। इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा 2 रूट 3u माइनस 2v इज इक्वल टू, ये रूट 3x से रूट 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 3y और माइनस का y। तो देखिए ये माइनस का 4y बनेगा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, रूट 3u माइनस v इज इक्वल टू माइनस का 4y। इसको एक तो 2 से ये कैंसिल आउट कर लो, माइनस भी इस तरफ दे दो, तो फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास v माइनस रूट 3u, माइनस साइन भी गया इधर और वो 2y बन गया। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। तो 3 वहां है, 4 यहां पर है। इन दोनों का यूज करके अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन बनाने हैं इन तीनों के। तो तीनों में एक बार लिख देता हूं यहां पर, सबसे पहले तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, दूसरे नंबर पर y इज इक्वल टू 0 है, और तीसरे नंबर पर x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, जो थोड़ा खास है, पिछली बार नहीं था। पिछली बार डायरेक्ट वैल्यूज थी जैसे ये दोनों हैं, इस बार थोड़ा सा मिक्स आ गया। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे अभी। x इज इक्वल टू 0 रखो आप, तो फिलहाल x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू अगर अपन रखें, जरा थर्ड इक्वेशन में रखें, तो u प्लस अंडर रूट 3v इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। y इज इक्वल टू 0 तो इसमें रख सकते हैं हम, तो ये बनेगा v माइनस अंडर रूट 3u इज इक्वल टू 0, जो कि बन रहा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 3u। y इज इक्वल टू mx का फॉर्मेट है, जहां पर m की वैल्यू रूट 3 है, मतलब 60 डिग्री स्लोप हो गया इसका, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ऐसे यहां की बात करें तो तुरंत बना सकते हो आप इसको, इसको आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू, ये रूट 3 डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 1 बाई अंडर रूट 3u, ये इसका बन गया। अब ये जो c पार्ट है, अगर आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइन आएगी, जिसको प्लॉट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लंबा चल जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए यहां पर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये x प्लस y इज इक्वल टू 1 ही लेते हैं यहां पर तो क्या आंसर आएगा, तो उसका आंसर इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद में मैं इसके साथ एक फोटो अटैच कर दूंगा, जिसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अभी तो इसको आसान बनाते हुए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, रूट 3x प्लस y में x और y यहां पर रखने की नीड नहीं है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि कायदा तो यही कहता है कि यहां पर रखना चाहिए,
लेकिन डायरेक्ट इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या है, ये रही रूट थ्री एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 2v के बराबर है। तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई को सीधा ही 2v लिख दो और इक्वल टू 1, तो इससे बहुत आसान लाइन मिल गई हमारे को जो इजीली प्लॉट हो जाएगी, प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लेते तो x की वैल्यू y की वैल्यू यहां से ली जाती थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइन बन जाती, हालांकि आंसर तो आता लेकिन थोड़ा सा लंबा चला जाता, जो समझने में थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए क्या आंसर आएगा इसका, ये बनेगा, हम पहले तो z प्लेन में बना लें इस ट्राइंगल को, तो ये है x, ये है y, ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो x ही होती है, और ये जो लाइन है तो ये लाइन 60 डिग्री एंगल बनाएगी x एक्सिस से अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाए, तो ये इस तरह से है, मतलब y पर ऊपर और x पे थोड़ा सा पास में रहेगी। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लाइन बन रही है रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा है y इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, ये a है, ये b है और ये c है मान लो, तो इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो देखिए आप। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से बनेगा करीब करीब, ये u एक्सिस है, ये v एक्सिस है। सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये 60 डिग्री एंगल पे बनने वाली लाइन है, तो 60 डिग्री एंगल पे बनेगी ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 0 ये रहा, ये जो y इज इक्वल टू mx होती है ये 60 डिग्री पे बनाओगे आप तो 60 डिग्री रोटेट हो गई, कहने का मतलब ये वाली लाइन, तो इतनी लेंथ की यहां पर बन जाएगी सेम टू सेम। उसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन के बदले v इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, यहां कहीं 1/2 है मान लो, तो ये v इज इक्वल टू 1/2 मिल गया, और x इज इक्वल टू 0 के बदले ये मिल रहा है जो इस तरह से बनेगी लाइन, इससे 90 डिग्री लेते हुए, मतलब यहाँ से आप 30 डिग्री छोड़ दो तो ये लगभग इस तरह का बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा पॉइंट बन गया है ए पॉइंट, सॉरी ए डैश पॉइंट, ए का ट्रांसफॉर्मेशन, ये बी का बी डैश हो गया, ये सी का सी डैश हो गया, तो ये पॉइंट ए डैश हो गया, तो ये लाइन अपनी है वी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री यू, ये है v इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 पॉइंट है, और ये है v इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 और u, ये इस तरह से कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको बस ये प्लॉट करना ढंग से आना चाहिए, उसके बाद इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को रोटेशन से सॉल्व किया जा सकता है। अब जो इसका आंसर है वो आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, हमारी जो लाइन की इक्वेशन है वो बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हालांकि हम बना तो सकते ही हैं, तो आप इसको देख करके बना सकते हैं किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। तो हमने रोटेशन तक कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, इन्वर्जन में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे अलग जो है वो थोड़ा इन्वर्जन ही है, ये हमने सेकंड लेक्चर में भी देखा था। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, थैंक यू।